तो हुमाद भी हो गया, पूजा भी हो गया घाट पर, दीदी लोग अर्घ दे दी। अब ये लोग बच्चे लोग ले रहे हैं साड़ी खंगार परवैती लोग का। अब परवैती लोग का साड़ी खंगारना आज के घाट पर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सभी बच्चों लोग सभी बेटी आ गई है परवैती का साड़ी लेने। किधर से खंगारेगी? उधर से जाओ, उधर से खंगारो, उधर से सब जाओ, इधर से। अच्छा जाओ इधर ही से खंगारो। हाँ देख सकते हैं कितना श्रद्धा पूर्वक सब बेटियां अपने माँ का कपड़ा खंगार रही हैं। सभी बिहार के सभी बच्चों का पता है कपड़ा खंगारने का महत्व। तो इस समय तो खाली कपड़ा खंगारना रहता है, लेकिन सुबह के टाइम सब लोग अपने अपने आँख के पास इसको लगाएंगे कि आँख की रोशनी एकदम बढ़ते रहे। जैसे सूरज भगवान चमकते रहते हैं वैसे हम लोग का आँख बच्चे लोग चमकते रहें। लेकिन इस समय नहीं ना दीदी, इस समय नहीं, सुबह के टाइम। बच्चे अब अपना कपड़ा भी फैलाना शुरू कर दिए माँ का। जमीन में नहीं छोड़ा, क्या हुआ? यहाँ पर परवैती लोग अपना अब कपड़ा बदल के हुमाद करके अपना थोड़ा सा घाट गोरेगी, उसके बाद थोड़ा देर बाद जाएगी नीचे दीदी लोग। मम्मी पहली बार उठा रहा है ना मनु, रेलिंग पकड़ना, किसे टोकरी पकड़े, टोकरी पकड़े। ये भाई हमेशा कर चुका है, इसलिए ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है चलो।
उल्टा नहीं नहीं पाओगे कि लोटा रहा वो लेकर के चलो। जय छठी मैया, कल फिर आएंगे घाट पे छठी मैया। नहीं नहीं कौन सा कपड़ा उधर उधर हम क्या ले ले क्या? नहीं और कपड़ा वपड़ा आ करके ले जाएंगे बाल्टी में ना। हमको दे दो और हमारे पास कम है सामान। ये लोग एक साथ उतरेगी सब अच्छा ये हम तुमको सब कह रहे थे तुम इधर आओ सारे चारों का सब परवैती अब लाइन से उतर रही है। अच्छा से हम लोग का पूजा पाठ हो गया शाम के अर्घ। अब कल सुबह हम लोग आएंगे फिर घाट पर। तो घाट पर से तो दीदी लोग आने के बाद आधा घंटा एक घंटा आराम की, उसके बाद फिर से दौरा साजने लगी। बोली कि फिर लेट जाएंगे तो नींद आ जाएगा तो आलस करने लगेगा। तो फिर हुआ कि सब परवैती अपन मिल करके हमारा दौरा साज ले रही है दोबारा सुबह के लिए। अच्छा है उसके बाद रिलैक्स हो जाएगी फिर आराम भी करेगी। ये हल्दी का फूल है आप लोग कभी देखे हैं? खूब बड़ा हो जाता है, खूब सुंदर लगता है। दीदी के घर का खेत का हल्दी है और हल्दी में ये फूल खिला हुआ है और ये हल्दी भी छठ पूजा का ही है हल्दी। हाँ घर के बगान का मतलब सूरज भगवान को लेना था ये हल्दी पूजा में, इसीलिए आज दिख गया। ये छठ पूजा का ही लगाया हुआ था ना? हाँ छठ का जो प्रसाद आता है जो लास्ट में निकलता नहीं है हाँ। वो ही डाल दिए थे गमले में तो हल्दी का पेड़ हो गया। तो ये आज सुबह देखी ना हाँ, चार साल से हल्दी मेरे यहाँ हो रहा है। निकालती भी उसमें से ना वीडियो तो डाले फाइव फिंगर हाँ, हाँ, फाइव फिंगर में डाली हुई है दीदी आप लोग देखिएगा। चलिए सूरज भगवान को ये फूल लेना था इसलिए आज ही इतफाक से दीदी को फूल दिख भी गया। कल सुबह चढ़ेगा उनको फूल। बाकी तीन चार दौरा है तो पहला दौरा खाली हुआ है उसको फिर से साजा जाएगा। अब जैसे ये लोग ठेकुआ बनाया है अब और सुबह का अलग हमका तैयारी कर रहे हैं हम लोग फिर से सूप सजा के ये जो अभी अलग लेके आ रहे हैं उसको हटा के फिर से नया पंजा तुरंत सजाएंगे दौरा उसी तरीके जैसे अभी हम सुबह में सजाए थे। और उसी में फिर से हम लोग काम में लग गए। उसके करने के बाद ही हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर चार बजे हम लोग उठ जाएंगे खाना पीना बनाने के लिए। और उसके बाद पाँच बजते बजते हम लोग ऊपर चले जाएंगे। कोशिश रहता है कि जितना जल्दी मैंने लालीबाग सूर्य का निकले वैसे ही अर्घ दे दें हम लोग। थोड़ा देर घाट भी अगोड़ना पड़ता है हम लोग को जाते हैं तो थोड़ा सा कल तो घर के भी सारे मेंबर लोग जैसे नहा धो के ऊपर जाते तो वो लोग हुमाद करते हैं। हम लोग सभी लोग करेंगे कल हुमाद। कल पूरा परिवार मिलके हम करेंगे। देखो अब हम लोग सोचते हैं कि खाना तो बन ही रहा है दीदी। अब दीदी